लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूँ। The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be. प्रलयम सर्वनाशम विधि को नाम महाप्रलयम। What I mean to say is प्रलय आने वाला है। पर क्या ये प्रलय आकर बॉक्स ऑफिस तबाह कर सकता है? तो कर सकता है, एक्सपेक्टेशंस तो बराबर है, क्योंकि इस प्रलय का नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन, जो है बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के सुपर सॉलिड विलन, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बड़े मियां छोटे मियां फिल्म। टीजर हो या फिर ट्रेलर, कभी अपनी आवाज से तो कभी मास्क के पीछे छुप कर पृथ्वीराज ने पूरी महफिल लूट ली है। पृथ्वीराज का लुक भी काफी हटकर है, मतलब एक मस्कुलर विलन, लंबे काले जैकेट, बढ़ाए हुए बाल, डिजाइन किया हुआ एक अजीब मास्क, हाथ में गन, पूरे स्टाइल में नजर आता है। अब एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं, पर अगर हम 90s 80s पे जाए तो उस टाइम के कुछ विलन नॉर्मल हुआ करते थे, जो हीरो को टर्शन देते थे, मार धार करते थे और पीटते थे। पर हम उनकी नहीं पर कुछ ऐसे विलन की बात कर रहे हैं जो इंडियन सिनेमा में आज भी यादगार है, जैसे कि मिस्टर इंडिया का अमरीश पुरी जी का वोकैबो किरदार, या फिर शक्ति कपूर का क्राइम मास्टर गोगो, या फिर एक्टर कुलभूषण खरबंदा का शाकाल। अब इनका अपना एक स्टाइल था, एक फैंसी स्टाइल, अलग हेयर स्टाइल था। वैसे शकाला का कोई हेयर स्टाइल तो नहीं था, वो तो टकलू था, पर इन सबका जो गेटअप था ना, वो उनकी कैरेक्टर्स में एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता था। अब एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, पर हाँ, पृथ्वीराज भी कोई सिंपल गेटअप में नहीं दिख रहे हैं, मॉडर्न अंदाज में वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म आज के जमाने की है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पर अगर ध्यान से देखा जाए थोड़ी पुरानी वाइब्स तो आ सकती है। और पृथ्वीराज को इस फिल्म की स्ट्रेंथ इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी कास्टिंग काफी इम्प्रेसिव है। उनकी जैसे टैलेंटेड और मेथड एक्टर की एक विलन के रूप में इस फिल्म में एंट्री होना यही जबरदस्त बात है, क्योंकि आजकल विलन जितना पावरफुल होता है उतना ही मजा आता है। आजकल हीरो से ज्यादा तो विलन पर ही सबकी नजरें होती हैं। और बम सलार देखी, उन्हें हटके दास में हमने पहले से देख लिया है, जिसने 700 करोड़ का बिजनेस किया है। तो पृथ्वीराज से ऑडियंस को बहुत उम्मीदें हैं कि वो इस गेम को ना पलट कर रख सकते हैं और बॉक्स ऑफिस पर कमाई का आंकड़ा बढ़ाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। वैसे अक्षय और टाइगर से भी बढ़िया उम्मीदें हैं। इस फिल्म के साथ दुनिया के कई कोनों से कई लोग जुड़े हैं और इंडिया के दो एक्शन सुपरस्टार्स एफर्टलेसली कई सारे चैलेंजिंग सीक्वेंस प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि देसी ऑडियंस एंजॉय कर सके। उम्मीद करते हैं कि उस पे वो कामयाब हो। फिलहाल आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828 8500 88.